How are you? Okay. Now, today we will learn how to write छोटी की मात्रा. Okay? तो ये देखिए, आज हमारी एक्टिविटी रहेगी छोटी ई की मात्रा. कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा. तो ये मेरे पास कुछ डोरी, आपको पता है डोरी क्या होती है? मैंने इसके टुकड़े किए हैं. हम इसकी सहायता से आज छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे. तो मेरे साथ बोलिए एक बार फिर से, छोटी ई की मात्रा. ये देखिए, ये कौन सा अक्षर है? प. कौन सा अक्षर है? प. प में यदि मैं छोटी की मात्रा लगाऊंगी, तो छोटी की मात्रा कहाँ से लगती है? लेफ्ट साइड से. आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, निकालिए. लेफ्ट साइड से, प के लेफ्ट साइड से मैं छोटी की मात्रा लगाऊंगी. ये देखिए, स्टैंडिंग लाइन. और उसके बाद प के सिर के ऊपर मैं इसको चिपकाऊंगी. तो ये बन गई हमारी छोटी की मात्रा. कौन सी मात्रा? छोटी की मात्रा. तो प में मैंने छोटी की मात्रा लगाई, तो ये हम कैसे पढ़ेंगे? पी. कैसे पढ़ेंगे, बोलो मेरे साथ, पी. अच्छा, इसके साथ मैंने एक अक्षर लिखा है न. अब पूरा एक साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे. प में छोटी की मात्रा पी. न पिन. पिन क्या होती है, देखिए, पिन. आप सबको पता है पिन क्या होती है? तो ये है पिन. अच्छा, और इसके साथ और एक अक्षर मैंने लिखा है, ये देखिए. हम लोग और एक शब्द देखेंगे. ये क्या है? ग. क्या है? ग. तो अब ग में भी हम लोग वैसे ही छोटी की मात्रा लगाएंगे. देखिए, लेफ्ट साइड से एक स्टैंडिंग लाइन. उसके बाद ग के सिर के ऊपर इसको ऐसे चढ़ाएंगे. तो ये बन गई हमारी छोटी की मात्रा. कौन सी मात्रा? छोटी की मात्रा. ग में मैंने छोटी की मात्रा लगाई, तो ये क्या बन गया? गी. बोलिए, गी. उसके साथ एक और अक्षर है ल. अब ल में मैं लगाऊंगी आ की मात्रा, जो हम पढ़ चुके हैं. आप सबको याद है, ल में आ की मात्रा क्या बन गया? ला. ल में आ की मात्रा ला. और इसके साथ मैंने रखा है एक अक्षर स. तो अब एक साथ हम लोग पूरा पढ़ेंगे. मेरे साथ बोलिए आप सब लोग, ग में छोटी की मात्रा गी, ल में आ की मात्रा ला, स गिलास. क्या हो गया? गिलास. गिलास तो आप सबको पता ही है, सबके घर में होते हैं. हम इसमें पानी पीते हैं, दूध पीते हैं. तो आपको आज की एक्टिविटी कैसी लगी बताओ मुझे. अच्छी लगी? तो आपको एक बात ध्यान में आई होगी कि छोटी की मात्रा बोलते समय हम उसका उच्चारण कैसे करते, थोड़ा जल्दी करते, गी गी. तो ये हुई आज की हमारी एक्टिविटी, गी ला स छोटी की मात्रा. ओके, थैंक यू. बी ब बाय.